आपके स्वास्थ्य से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए आयुर्वेद केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर नए वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। चालीसवें सप्ताह की गर्भावस्था में आप सभी माता पिताओं का हार्दिक स्वागत है। इस हफ्ते आपको आराम करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपको इस दौरान ज्यादा तनाव या स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। 40वें सप्ताह में बेबी की लंबाई लगभग 20.16 इंच और वजन लगभग 3 किलो 300 ग्राम इतना होता है। इस हफ्ते बच्चे के तकरीबन सभी रिफ्लेक्सेस बनकर तैयार होते हैं। आपके बच्चे के स्कल की हड्डियां अभी तक एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती। ये जन्म की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी होती है, जो नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को मदद करती है। बच्चा जैसे ही अपनी शुरुआती सांस लेता है, गर्भनाभि नाड़ी यानी अम्बिलिकल कॉर्ड अपना काम रुका देती है। आपका बेबी पूरी तरह से तैयार होकर अब वह आपके शरीर के बाहर की जिंदगी के लिए तैयार रहता है। इस हफ्ते आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से बार बार चेकअप करवाना पड़ सकता है। इसी दौरान वो आपके खून, ब्लड प्रेशर, पल्स, वजन, बेबी की पोजीशन, बेबी के दिल की धड़कन इत्यादि की जांच करते हैं। इस आखिरी हफ्ते को आप अपनों के साथ एंजॉय कीजिए। आप डॉक्टर के विजिट के बाद आपके पसंदीदा जगह भी विजिट कर सकते हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट वगैरह, जिससे आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। यहाँ से आगे आपको किसी भी वक्त प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन शुरू हो सकते हैं। आपको धैर्य से काम लेना है। जल्द ही आपका प्यारा बच्चा आपके हाथों में होगा। आप अपनी और अपने बच्चे की अच्छे से केयर कीजिए। प्रेगनेंसी वीक बाय वीक के इस वीडियो सीरीज में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।